हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डेली हम दिन में 12 बजे आप सभी के लिए जीके क्लास लेके आते हैं, जिसके अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम सीखते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली कौन सा, CHSL के लिए तो है ही, क्योंकि CHSL का एक सेट ही हम कवर अप करते हैं पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, जिसके अंदर जो GK क्वेश्चन आए होते हैं उन सभी को हम कवर अप करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का पेपर बनाया जा रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और मेजरली आपको पता ही है कि हमने जो कवर अप करे हैं क्वेश्चंस, वही हर सेट के अंदर उसी तरीके के बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इस साल में भी जो टॉपिक्स हैं वो तो सेम रहेंगे ही, और आपको काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि अपनी डेली क्लास के अंदर से देखने को मिलेंगे, और आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और आपका जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट है कि आप सभी को 50 में से 50 मार्क्स लेके आने, वो भी जरूर जरूर से पूरा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस से फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो कि कैसा होता है, हिस्ट्री का होता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा इज द मेन एंट्रेंस टू द प्लेस एट। तो बुलंद दरवाजा के बारे में कई बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो और आपको पता ही है, बुलंद दरवाजा, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, बीरबल हाउस, टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, ये सारे की सारी जगह एक ही, सारे की सारे जो प्लेसेस मैंने नाम बोले ना आपको, ये सब एक ही जगह के ऊपर है। और कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे काफ़ी बच्चे लेट आए, कोई इशू नहीं है फ्रेंड, अभी तो स्टार्ट किया है, पहला ही तो क्वेश्चन किया है अभी। तो फतेहपुर सीकरी यानी कि सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा है, मेन जो एंट्रेंस है ना, जो जिसके अंदर घुसते हैं अपन फतेहपुर सीकरी में, तो वो बुलंद दरवाजा ही है जिससे हम एंट्रेंस लेते हैं। और आपको पता ही फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, और बुलंद दरवाजा जब गुजरात के अंदर अकबर ने वहाँ पे कैंपेन उनका, जब वहाँ पे सक्सेसफुल हुए थे मिलिट्री कैंपेन में उनके, तब उन्होंने इसको बनवाया था, और अकबर का ही बनाया हुआ है फतेहपुर सीकरी। तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी अपने एजुकेशन के लिए बनाया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई, क्योंकि ये खुद एजुकेटेड नहीं थे, सिर्फ कुरान के अलावा कुछ पढ़ना नहीं आता था, तो जितने भी धर्म के गुरु होते थे उनको वहाँ पे बुला के फतेहपुर सीकरी में एजुकेशन लिया करते थे, सभी धर्मों के बारे में जाना करते थे। तो इसके अलावा अगर आपसे टॉम ऑफ सलीम चिश्ती पूछा जाए तो भी फतेहपुर सीकरी होगा, अगर बीरबल हाउस पूछ लिया जाए तो भी फतेहपुर सीकरी होगा, दीवाने आज, दीवाने खा, दीवाने खास, इसके अलावा पंचमहल है, ये सब भी वहीं पर ही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको फ्यूचर में कभी गलत नहीं करेंगे और हमेशा इसको सही करेंगे। तो आप इमेज देख सकते हैं, ये वो पूरी इमेज है जो कि आपके फतेहपुर सीकरी की है। आपकी जो मूवी है ना, आपने सुनी होगी परदेश, परदेश ही है, हाँ परदेश मूवी है। ठीक है, वो परदेश मूवी की शूटिंग है जो आखिरी के अंदर शाहरुख खान की, और ठीक है जो भी है, शायद दूसरी एक्ट्रेस, ठीक है जो भी है, तो वो भी महिमा चौधरी, ठीक है शायद महिमा चौधरी थी, तो उसकी आखिरी के अंदर शूटिंग भी वहीं पर हुई थी फतेहपुर सीकरी के अंदर। ओके, बिल्कुल सही कहा है काफ़ी बच्चों ने, आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कुतुब मीनार तो यहाँ पे है नहीं, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं राजेंद्र जी कुतुब मीनार के बारे में बताना, तो राजेंद्र जी चलो ठीक है, मैं कुतुब मीनार के बारे में बता देता हूँ। कुतुब मीनार जो बनाया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन नाम से ही उनके एक प्रीस्ट, उनके एक गुरु थे, उनके नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट फ्लोर जो बनाया वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, उसके बाद में वो तो चले गए, उसके बाद में जो तीन फ्लोर है कुतुब मीनार के वो किसने बनाए, वो इल्तुतमिश ने बनाए, उसके बाद में वो भी चल दिए, उसके बाद में जो तीसरा चौथा वाला फ्लोर है वो टूट गया था लाइटनिंग की वजह से। तो चौथा और पांचवा जो फ्लोर है, सबसे ऊंचा वाला फ्लोर है, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तो इस तरीके से कुतुब मीनार का फॉर्मेशन हुआ। आसपास और भी चीजें हैं जैसे कि टॉम है इल्तुतमिश की, खिलजी की, इन सब की, तो अलाई दरवाजा भी है, तो वो पूरा का पूरा टॉम, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स उसी के अंदर है, जैसे कि अलाई दरवाजा हुआ और बाकी सब चीजें हुई। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गए होंगे, और काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिसीव्ड बाय द दिलीप कुमार इज। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम सभी लोगों के, सेलिब्रिटीज के जो कितने किसको अवार्ड मिले ये याद नहीं कर सकते, याद करने की कोशिश भी मत करना, सिर्फ लोगों के जो प्रेस्टीज है, जो लोगों की रेपुटेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप जज कर सकते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला होगा।
मेजरली जितने भी ओल्ड एज सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि दिलीप कुमार है या फिर कोई भी पुराने जितने भी लोग हैं, ठीक है, ऋषि कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर, ऐसे जो पुराने पुराने लेजेंडरी लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो चाहे वो एक्टर हो, इन सबको या तो विभूषण या फिर पद्म भूषण ये तो मिला ही होता है कम से कम। और दिलीप कुमार के बारे में तो आपको बताइए, ट्रेजेडी किंग, देश के पहले लेजेंडरी सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता है दिलीप कुमार को। और ये उससे पहले पेशावर में इनका जन्म हुआ था, पता है ना आपको, पेशावर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में फिर इंडिया ये आ गए और इन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया, ठीक है, पहले इनका नाम दिलीप कुमार नहीं था। और आंसर क्या होगा इनका, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इनको सबसे ज्यादा ऑनर के तौर पर मिला हुआ है। देश का सेकंड सबसे बड़ा अवार्ड है, आपको पता है ना सबसे बड़ा कौन सा है, भारत रत्न है, उसके अलावा पद्म विभूषण, फिर उसके नीचे पद्म भूषण, उसके नीचे पद्मश्री, ठीक है। तो आंसर क्या करना है आपको, पद्म विभूषण सी आपको इसका सही आंसर रखना है, ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। काफी लोगों ने जो इसका आंसर, मैं चेक कर लेता हूं कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही भी दिया है, ओके बिल्कुल सही है, और तुक्का भी मारा है कुछ बच्चों ने, सुनील जी ने तुक्का मारा है बी, तो उनका गलत हो गया है, ओके। और शिंटू जी बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं आपको कि आपको देखिए याद नहीं करना है किसको क्या अवार्ड मिला है, सबके जितने ओल्ड एज म्यूजिशियंस होंगे ना, देखो भारत रत्न का तो पता होता है ये मेजरली किसको मिला है, लेकिन इसके अलावा जो विभूषण वाले प्राइज है ना, ये पद्मा अवार्ड है, तो उसके जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो लेजेंडरी लोग हैं, उनको तो विभूषण मिलता है, और जो अभी प्रेजेंट में जो अभी लिविंग है, जो अभी काफी यंग है, उनको पद्मश्री या फिर पद्म भूषण। पद्मश्री वाले तो पूछे जाते नहीं है पेपर में, क्योंकि पद्मश्री तो बहुत लोगों को मिलता है, 40-50 लोगों को एक साथ मिलता है। तो मेजरली आपको पिक करना है विभूषण और भूषण में से, अगर कोई पुराने बहुत लेजेंडरी लोग हैं तो उनको विभूषण होगा, और जो म्यूजिशियन होंगे उनको विभूषण होगा, और बाकी सब लोग को भूषण होगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो काफी लोगों का आंसर सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऑर्गन बायोलॉजी का सिंपल सा कुछ सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन या कोई से भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे मैंने 200 वीडियोस आपको डाल रखे हैं, GK24 एप्लीकेशन पे जाइए, GK24 एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए, वहां पे 200-250 वीडियोस आपको बने हुए मिलेंगे जीके के, उन सबको जरूर देखिएगा, उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले कवर अप कर रखे हैं मैंने, लेकिन फिर भी अगर आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं तो हम उसको वापस से डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम के बारे में पूछा गया कि जो लाइपेज एंजाइम है ये कहां से प्रोड्यूस होती है, लाइपेज के बारे में, ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो हमारे डाइजेशन के पाचन तत्व, पाचन के लिए जो काम में आते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में इससे पूछे जाता रहता है। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में पूछा गया, लाइपेज के बारे में पूछा गया, तो काफी लोगों ने ए आंसर किया है इसका, ठीक है, काफी लोगों ने इसका आंसर ए किया है, और बिल्कुल इसका आंसर ए ही है, बिल्कुल सही है, पेनक्रियाज से ही लाइपेज का प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है, पेनक्रियाज और लीवर, ये जो आसपास के जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने टीथ से क्या करते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा उसको मेल्ट करती है, नीचे जाके स्टमक में जाता है, वहां पे HCL होता है, बाकी सब भी पेप्सिन भी होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, थोड़ा सा फूड आगे जाएगा लीवर के पास में, पेनक्रियाज अपना रोल करेगी, फिर उसके बाद में लीवर बाइल पिगमेंट के थ्रू क्या करेगा, बाइल के थ्रू फैट का डाइजेशन करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद में जो लाइपेज है ये फैट कार्बो प्रोटीन तीनों का डाइजेशन करके फिर इस तरीके से हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, ओके, और लास्ट फिर हमारे इंटेस्टाइन में इसका ऑब्जर्प्शन होगा जब ये बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, ओके, वहां पे फिर हमारे रिएक्शन होगी हर एक सेल के अंदर, पता है ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, एनर्जी में काम में ले रहे हैं अपन सब, और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं और साथ में जो वाटर है वो हमारे बॉडी में काम में लेते रहता है, इस तरीके से पूरा का पूरा फंडा होता है। आपके सामने एक इमेज होगी जिसमें आप देख सकते हैं, देखिए केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बो, कार्बो का केमिकल डाइजेशन आपके सामने सबसे पहले, और देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स में से क्या अमाइलेज और पटाइलिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं अमाइलेज और पटाइलिन कहां से रिलीज होते हैं, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और मेल्टोज आखिरी में इसका एंड प्रोडक्ट है, उसके बाद में पेनक्रियाज में से एमाइलेज भी होता है और एमाइलोप्सिन भी होता है, और साथ के अंदर लाइपेज भी होता है, और वैसे ही ग्लैंड इंटेस्टाइन ग्लैंड के अंदर माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज इन सब का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं कहाँ पे जो लोकेशन है, एक्चुअल आपके सामने है ना लोकेशन,
माउथ से तो ब्रेक होगा, किल करेगा, मॉइस्चर होगा, स्टमक में भी डाइजेस्ट होगा प्रोटीन, उसके बाद में पैनक्रियाज क्या करेगी, सारे के सारे एंजाइम्स के थ्रू फूड को डाइजेशन करेगी। ये पूरा का पूरा मैप आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं लाइपेस के बारे में, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि फाइट करता है मेजर डिजीजेस से। ओके, मेजर डिजीजेस से ये भी आपको ध्यान रखना है, डिजीजेस के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है काफी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक सिंपल सा सवाल पूछा गया है, एक लंबा इंटर नोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डटल बनाता है। तो एक निचला हिस्सा जो भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं उसका एक निचला हिस्सा होता है लॉन्ग सा, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया। तो देखिए आपके सामने एक इमेज होगी, ठीक है, आपके सामने एक इमेज है। अब ये जो ऐसे पत्तियां होती है ना, ये जो लॉन्ग सी रूट है, इसको हम क्या बोलते हैं, भगदड़ बोलते हैं इसको, स्कैप बोलते हैं इसको हम, स्कैप। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, स्कैप इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, बस आपको इसको ठीक है इतना सा ध्यान रखना है, काफी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। और साक्षी जी बोल रही है यूपीएससी की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो साक्षी जी यूपीएससी की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके लिए। यूपीएससी के लिए सुबह 6 बजे दैनिक जो एडिटोरियल आता है उसको कवर अप करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में सुबह 8 बजे करंट अफेयर आता है वो आप सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में 8:30 बजे वोकैबुलरी। तो 3 क्लासेस तो आपके लिए अभी यूपीएससी के लिए है ही है, ऐसा मत समझिए यूपीएससी के लिए नहीं है, अभी 3 क्लासेस तो आपके लिए चली रही है, उसके अलावा बाद में इसको अपन और भी थोड़ी अच्छे तरीके से और स्पेसिफिकली भी चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी में। साथ में फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वो बेल आइकन पे सब्सक्राइब करें पहले तो, उसके बाद में बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है ना 1 मिलियन कॉन्टेस्ट के बारे में, कि आप 1 मिलियन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज फ्री में जीत सकते हैं। साथ में 1 सेकंड है कम्युनिटी सेक्शन को भी डेली एक बार चेक किया कीजिए, और लखनऊ मीटअप आपको पता ही है 24 तारीख को है वाईफाई स्टडी की, जहां पे आप सभी को जो लोग लखनऊ के आ सकते हैं वाईफाई स्टडी टीम से मिलके अपने करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आप सभी ने जो आंसर दिया है वो बहुत लोगों ने गलत दिया है, और काफी लोगों का यहाँ पे आंसर गलत आया, आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो लंबी सी जो पत्तियां, जो लंबी सी जो है ना इंटर नोड बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैप बोलते हैं हम इसको। इतना सा चीज है जो कि आपको ध्यान रखता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है, बड़ा ही सिंपल सा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया क्या लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है, और कई बच्चे रमन जी बोल रहे हैं पीडीएफ के लिए, तो देखिए रमन जी आप GK24 डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और काफी बच्चों का यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल सही भी आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, वायरस जो होता है फ्रेंड वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। आंसर क्या होता है इसका, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वायरस बॉडी के बाहर हमेशा एज ए नॉन लिविंग एक्ट करता है, जब हमारी बॉडी में आता है तो वो हमेशा लिविंग बन जाता है। ठीक है, होता यही तो है कि बॉडी के बाहर, तभी तो हम बोलते हैं कि जो वायरस वाले डिजीज होते हैं ना वो कभी भी हमें बाहर के सराउंडिंग से नहीं मिलते हैं। बैक्टीरिया जैसे कि मैंने मान लीजिए नीचे पड़ा हुआ मैंने फूड खाया तो उसमें से बैक्टीरिया आ सकता है, अगर मैं कहीं गंदी मेरे हाथ गंदे हैं तो मुझे बैक्टीरिया वाले डिजीज हो सकते हैं, लेकिन वायरस वाले कभी नहीं हो सकते। वायरस कभी आपके आसपास नहीं मिलता है, मिलता तो है वो हमेशा नॉन लिविंग होता है, हमारे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है, इसीलिए वायरस वाले डिजीजेस कभी भी सराउंडिंग से नहीं होंगे, समझ गए। इसीलिए कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस का डिजीज है। कई बार हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई सर्दी लग जाएगी कुछ पहन लो बीमार पड़ जाओगे, ठीक है सर्दियों में दही मत खाओ, तो देखिए ये सब मिथ होता है, इसको हम बोलते हैं मिथ। कॉमन कोल्ड जो डिजीज है वो वायरस से होने वाला डिजीज है, अगर आप सर्दी में जैकेट नहीं पहन रहे हो, अगर आप नंगे पांव घूम रहे हो तो इससे कभी नहीं होगा। हाँ आपको थोड़े से अनकंफर्टेबल आप जरूर होंगे लेकिन बीमार कभी नहीं होंगे, क्योंकि जो वायरस से आपका डिजीज होगा और वायरस आपके आसपास में नॉन लिविंग होता है, वो हमेशा किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ही ट्रांसफर होता है। अगर मैं कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड हूं तो और मैंने छींक दिया तो वायरस दूसरे पास खड़े हुए पर्सन के पास में चले जाएगा और फिर उसको इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है जो कि आपको ध्यान रखना है, तो आप देख भी सकते हैं इसके बारे में।
आपके सामने एक इमेज होगी जिसके अंदर वायरस के बारे में बता रखा है। वायरस होता क्या है? स्मॉल देखिए नॉन लिविंग पार्टिकल है जो कि इन्वेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है लिविंग सेल के अंदर। इसको अक्सर नॉन लिविंग ही कंसिडर करते हैं क्योंकि ये वायरस आर नॉट सेल, ये सेल नहीं होते हैं, एनर्जी यूज नहीं करते हैं ग्रो करने के लिए। ओके, इसके अलावा ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। काफी बच्चों ने, आशीष जी बोल रहे हैं कि हमको भूल गए। आशीष जी मैं किसी को नहीं बोला हूं, बस आपने जो सवाल पूछा है उसका आंसर नहीं कर पाया, मैं देख नहीं पाया। ठीक है, प्रमोद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इम्यून सिस्टम वीक होने पर ही होता है बॉस। देखिए इम्यून सिस्टम का जो रोल है वो तो फाइट करने का रोल है। ठीक है, अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो जो वायरस आपकी बॉडी में आएगा, ठीक है, वायरस बॉडी में आएगा तो आप उससे लड़ लोगे अच्छे से। अगर स्ट्रांग है तो आप उसको लड़के हरा दोगे, आपकी बॉडी उसको इजीली रेसिस्ट कर पाएगी। लेकिन इम्यून सिस्टम वीक है तो अगर किसी ने छींका आपकी बॉडी में आया वायरस और आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप उससे इन्फेक्ट हो जाओगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम तो रोल प्ले करता है लड़ने का, होना नहीं होना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फॉर्मूला पूछा गया अमोनियम ऑक्सीलेट का। अमोनियम ऑक्सीलेट जो है, ठीक है, अमोनियम ऑक्सीलेट जो है वो उसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद है आप सभी को पता होगा, और भी कई सारे फॉर्मूला है जो कि आपको याद करने हैं कुछ एक। शील जी बोल रहे हैं कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन किस चीज में होता है आप मुझे बताएंगे एक बार। ठीक है, और बिना जी भोपाल भी जरूर आएंगे, सभी सिटीज में आएंगे। थोड़ा सा वो करिए, थोड़ा सा धीरे धीरे सारे सिटीज के अंदर वाईफाई सिटी टीम से आपको मिलने को आपको मिलोगे। ठीक है, काफी लोगों ने यहाँ पे जो आंसर है सही देना चालू किया है। बिल्कुल सही है आपका आंसर, जिन्होंने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, आपको पता है ना NH4 का होल ट्वाइस, उसके बाद में C2 और O4, ये आपका सही आंसर है। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस C2O4, ये आपका अमोनियम ऑक्सीलेट होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और काफी लोगों ने आपका आंसर सही दिया है। इसके अलावा भी कुछ एक और इंपॉर्टेंट आपके सामने केमिकल फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा आपको सारे के सारे याद करिए, ऑब्वियस बात है सारे तो ना आप याद कर सकते हैं, ना मैं याद कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। तो इसीलिए कुछ एक इंपॉर्टेंट कर लीजिए जो कि पेपर में आते हैं, जैसे कि ठीक है NH4 C2O4 कौन सा है, अमोनियम ऑक्सीलेट है। वैसे ही अमोनियम फॉस्फाइट क्या होता है, NH4 का होल थ्राइस P3। वैसे ही कैल्शियम सल्फेट CH2SO4, कैल्शियम सल्फाइड और बैरियम थियोसाइनाइड, ये सारे के सारे थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स नेम्स हैं जो कि आपको ध्यान रखते हैं, पेपर में पूछते हैं, और आप उम्मीद है इससे रिलेटेड गलत नहीं करोगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों का गलत हो गया है, कोई कंसर्न नहीं है। और जो बच्चे लेट आए अभी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड, अभी ज़्यादा क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंजाइन के बारे में पूछा गया कि इथाइल अल्कोहल के अंदर बेंजाइन कैसा है। इथाइल अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल के अंदर बेंजाइन कभी मिक्स हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो आंसर क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा ना। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और आंसर क्या है, इनसॉल्युबल, सी आपका इसका सही आंसर है। ठीक है, इनसॉल्युबल बेंजाइन क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है इथाइल अल्कोहल के अंदर। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आपको ध्यान रखना है, कभी कोई गलत नहीं करना है। इथाइल अल्कोहल में बेंजाइन हमेशा इनसॉल्युबल होता है। ओके, इसके अलावा आप बेंजाइन के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले बेंजाइन होता क्या है, आपके पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यही होता है। बेंजाइन इज ए क्लियर लिक्विड सॉल्वेंट मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम के अंदर इसको यूज में लिया जाता है, ऑल राउंड सॉल्वेंट के तौर पर, और कैंसर के पता करने के लिए भी काम में लिया जाता है, केमिकल्स के लिए काम में लिया जाता है बेंजाइन के मॉलिक्यूल्स। C6H6 सुना होगा ना आपने, C6H6, तो वो बेंजाइन ही तो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेंजाइन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा सिंपल सा है, वो आपसे पूछा गया VOIP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर। VOIP क्या होता है, IP तो आपको पता ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, काफी बार आप पढ़ चुके हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, IP के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब आपको पता करना है VO के बारे में, सिंपल सा। तो VO होता क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कई बार होता है ना कॉल सेंटर पे फोन करते हैं तो फोन जो वॉइस आती है रिकॉर्डेड,
ठीक है, कहीं भी किसी जगह पे फोन करते तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और ग्वालियर भी जल्दी ही आएंगे। यहाँ पे एक स्टूडेंट ग्वालियर के लिए बोल रहे हैं, ग्वालियर के लिए बोल रहे हैं रिंकू जी। तो रिंकू जी जल्दी ही ग्वालियर भी जरूर आएंगे। और आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर उसको बोलते हैं VOIP। ठीक है, उम्मीद है आपका आंसर सही होगा। जिनका सही नहीं है या देख लीजिए, अगली बार पेपर में गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूछा गया है, सुर बाहर। ठीक है, सुर बाहर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये किस टाइप का है सुर बाहर? मैं पहले आपको बता चुका हूं जो ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने एक इमेज होगी सुर बाहर की। अब आप सुर बाहर देखिए, गिटार जैसा ही है, सितार जैसा ही है। ठीक है, गिटार जो इनकी वेस्टर्न फॉर्म हो गई, बाकी पहले तो सितार ही हुआ करते थे, उसी से गिटार बने हैं। तो सितार, गिटार और ये सब एक जैसे ही है, जो कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि इनके एक स्ट्रिंग होती है, तार होती है इनके ऊपर। तो आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इंपैक्ट वाले कौन से होते हैं, जिनको आपको इंपैक्ट मारने होते हैं, विंड वाले, जिनको आप जैसे कि फ्लूट होती है ना, वो विंड वाली होती है। और वैसे ही स्ट्रिंग वाले कौन से होते हैं, जिनके ऊपर स्ट्रिंग लगी हुई होती है। वैसे परक्यूजन वाले कौन से होते हैं, जिनको आप बजाते हो, जैसे कि ढोलक है, ड्रम्स होते हैं, ढोलक होती है, ये परक्यूजन वाले हैं, जिनके ऊपर आपको, ठीक है, उनको परक्यूजन करना होता है, यानी कि उनको यूज करना होता है उनको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, स्ट्रिंग सी इसका सही आंसर होगा। काफी लोगों ने इसका आंसर भी सही दिया है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो है आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है, सिंपल सा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कॉफी। कॉफी की डिमांड कब इंक्रीज होगी ये आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके जो इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं ना, ये बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना मेंटल लेवल भी काम में लेंगे तब भी आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, कॉफी की डिमांड कब इंक्रीज होगी, अगर फॉरेन के अंदर कॉफी की जो रेट है अगर वो कम हो जाएगी तो क्या इससे फर्क पड़ेगा, हमारे देश में कॉफी ज्यादा पीने लगेंगे लोग? नहीं ना। ए वाला ऑप्शन हटा दो। बी वाला देखिए, कॉफी प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल रैपिडली इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि हमारे देश में कॉफी की प्राइसेस बहुत कम हो गई है तो लोगों ने ज्यादा पीनी चालू कर दी है। पॉसिबल है, प्राइसेस कम होती है तो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, पता ना, लॉ ऑफ डिमांड कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरा वाला, देश में एवरेज इनकम लोगों की कम हो गई है, इनकम से कॉफी पीने का क्या लेना देना है। सी वाला ऑप्शन काट दो। डी वाला क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, टी महंगी हो गई है तो क्या लोग कॉफी पीना चालू कर देंगे? बिल्कुल नहीं, जो लोग चाय पीते हैं ना वो चाय ही पियेंगे। ठीक है, डजंट मैटर चाहे कॉफी कितनी सस्ती हो चाहे महंगी हो, ये इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। अगर कॉफी की प्राइसेस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर मान लो कल की चाय और कॉफी दोनों सेम रेट पे मिलने लग गई, 5 रुपए की चाय मिलती है थड़ी पे, 5 रुपए की कॉफी मिलने लग जाए, तो कई बार ऐसा होगा कि भाई ठीक है, चाय पीते पीते बोर हो गए, चलो कॉफी पी लेते हैं यार, बराबर ही तो है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से तो होगा क्या कि कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के लिए और जो ये ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कौन सी चीज 1916 में हुई है, 1700 सेंचुरी में, 1800 सेंचुरी में, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा ठंडा दिमाग लगाओगे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन से कंट्री की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? आप सभी को देखिए, चाइना पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर, मैं वापस से आपको समझा देता हूं। ओके, एरिया अपन किसमें देखते हैं, हमेशा एरिया हमेशा स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से देखते हैं ना। तो यानी कि किसी भी देश के एरिया में या स्टेट के अंदर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये बताता है, क्या चीज बताता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब सिंपल सी बात है, चाइना तो वैसे ही बहुत बड़ा है, तो चाइना की पॉपुलेशन भी ज्यादा है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, तो दुनिया में मैक्सिमम नहीं हो सकता। इंडिया जगह छोटी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर पांचवा छठा भारतीय है, और दुनिया में लैंड करें तो 2.4-2.5% लैंड ही हमारे पास में है, यानी कि कम जगह पे ज्यादा लोग। हो सकता है फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम, दोनों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, इंडिया
यानी कि बी आपका सही आंसर होगा, इंडिया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हमारे दुनिया में बात करूं तो मोनैको देश है जिसकी सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी, मोनैको, मोनैको ऐसे नाम है इसका। ठीक है, इंडिया की बात करो तो मेरे ख्याल से 381% है पर किलोमीटर स्क्वायर, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी के आसपास है। इंडिया में लोवेस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश 18 लोग पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम किसकी है, दिल्ली की है, दिल्ली में मेरे ख्याल से 11,000-12,000 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंडिया का लोवेस्ट हाईएस्ट और इंडिया की भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में, मोनैको ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, काफी बच्चों ने जो आंसर किया है मैं चेक कर लेता हूं, आपके सामने देखिए इमेज। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर चाइना है पॉपुलेशन के अंदर, और उसके बाद में इंडिया, जल्दी इंडिया टेक ओवर कर लेगा, जिस तरीके से इंडिया चल रहा है ना अपन, उस तरीके से जल्दी टेक ओवर करने वाले हैं उसको। तो ग्रोथ रेट भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है, 34% भारत की, चाइना की 11%, और इस तरीके से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन आपके सामने, आपको ध्यान रखना है। पेपर में कई बार पूछते हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन किसकी कम है किसकी ज्यादा है, और जिन बच्चों के फ्रेंड बफरिंग हो रही है आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं, फिर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको दुनिया के जो टॉप 10 नेशंस है जिनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए, चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया और मैक्सिको, ये सब ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पेपर में कई बार ये ऑर्डर को बोलते हैं कि इसको अरेंज करो, सबसे बड़ा कौन, सबसे वो कौन सा है, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है। और साथ में अभी कुछ टाइम पहले ब्राजील को पीछे किया है हमारे उत्तर प्रदेश ने, पता है ना आपको, उत्तर प्रदेश की, ब्राजील की जो पॉपुलेशन है ना वो उत्तर प्रदेश से पीछे हो गई है। अगर स्टेट भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो हमारा यूपी जो है वो 5वें नंबर पे आता है, लेकिन हम स्टेट के कंपेयर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस, कौन सी गैस है जो कि, कौन सी परसेंटेज के अंदर कौन सी ग्रीन हाउस गैस मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, मैं पहले आपको मैप भी दिखा चुका हूं। ओके, बिल्कुल सही बात है, यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सुष्मिता जी ने बिल्कुल सही बात बोली है, और काफी बच्चों ने, और यहाँ पे दीपक जी बोल रहे हैं बजट के टॉपिक के बारे में। तो देखिए दीपक जी, मैं बजट के से जो बजट है ना उसको रिलेटेड मैं एक द हिंदू एडिटोरियल मैंने कवर अप किया था, उसमें मैंने आपके लिए बजट भी कवर अप किया है, तो आप वो देख सकते हैं, GK24 में आपको वीडियो मिल जाएगा द हिंदू एडिटोरियल के साथ में ही बजट के बारे में, तो उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स उसके अंदर शेयर करी है आपसे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, प्रकाश जी बोले T20 स्टाइल में चल रहा है इंडिया, बिल्कुल सही है। ओके, और उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर करेंगे। सर कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा ना, कि सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रीन हाउस गैस की कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, उसके बाद में मीथेन और इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस आपके सामने है। आंसर क्या होगा, सी आंसर बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं एक डायग्राम जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी बहुत निकलती है, फॉरेस्ट्री में से बहुत निकलती है, इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अद्वैता वेदांता, अद्वैता वेदांता की जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, ये कौन लेके आया था। ठीक है, ये आपको बताना है, अद्वैता वेदांता आपको पता है ना, इसके अद्वैता वेदांता के बारे में, डिवाइन मोनोटिज्म के बारे में, सर्विस टू मैन इज अ सर्विस टू गॉड, यानी कि अगर आप इंसान की भलाई करोगे तो ये भगवान की भलाई करने के बराबर है, इंसान की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। यही बात बाद में जाके अकबर ने भी मानी, यही बात बाद में जाके स्वामी विवेकानंद ने भी फॉलो किया, और यही बात वाईफाई स्टडी भी फॉलो कर रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को रेफर करो फ्रेंड, ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल सके, क्योंकि सर्विस टू मैन इज ए सर्विस टू गॉड। अगर आप अपने दोस्तों की या और अपने जो आसपास जो लोग हैं जो कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनको अगर आप शेयर करेंगे तो उतना ही बच्चों के भी बेनिफिट होगा। ठीक है, आंसर ए बिल्कुल सही है, शंकरा जी, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने ये अद्वैता वेदांता की जो डॉक्ट्रिन, ये फिलॉसफी है, ये वही लेके आए थे। केरला के पर्सन थे और उन्होंने
सर्विस डोमेन, ये जब मैंने आपको बताई दिया ना, तो ये सब पॉलिसीज उन्हीं की थी जो वही लेके आए थे। आप देख सकते हैं इमेज आपके सामने, ठीक है, नहीं है इमेज कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंपल सा आंसर था ये तो, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, अर्थ की जो साइज कौन से नंबर पे है ये पूछा गया है। तो जिन लोगों ने पहले की क्लास कर रखी है उनको तो सबको पता होगा, जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं वापस बता देता हूँ कि जो साइज है हमारे प्लैनेट्स की वो किस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको याद करना है मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट, वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट MJ और उसके बाद में सन। सबसे पहले कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ है, उसके बाद में मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये तो हमारा ऑर्डर है प्लैनेट्स का, ठीक है। इस ऑर्डर में हमारे प्लैनेट्स हैं। नंबर वन पे जुपिटर है, साइज की बात कर रहा हूं मैं, साइज के अकॉर्डिंगली नंबर वन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, उसके बाद में हमारी अर्थ आती है पांचवें नंबर पे, फिर वीनस, उसके बाद में मार्स, उसके बाद में मरकरी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा ऑर्डर है और आपको ध्यान रखना है। अगर प्लूटो को भी इंक्लूड कर लें तो 9वें नंबर पे है, साइज में भी और वैसे भी, क्योंकि प्लूटो तो अभी क्या बन चुका है, डार्फ प्लैनेट बन चुका है, हमने इसको हमारे सोलर सिस्टम में से हटा दिया है, बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं इसका स्टडी करने का, ठीक है। ये तो हमारा डार्फ प्लैनेट हो चुका है, बाकी ये 8 आपको ध्यान रखना है, साइज भी ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? 5, यानी कि ए इसका सही आंसर है, ठीक है, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गंगा के ऊपर कौन सी सिटी लोकेटेड है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए गंगा के पास में कौन कौन सी सिटीज हैं, गंगा के बारे में भी पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए, तो काफी बच्चे उन्हें यहाँ पे जो आंसर है ना, अब देखिए मथुरा तो हो नहीं सकता, ठीक है, आगरा, कानपुर, कोटा, कोटा में कौन सी चंबल है ना, कोटा में तो देश में एकमात्र ऐसी रिवर जिसमें क्रोकोडाइल पाए जाते हैं वो कौन सी? चंबल है, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। आंसर क्या होगा इसका? कानपुर, सी इसका सही आंसर होगा, काफी बच्चों का आंसर सही है, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। ओके, आप देख सकते हैं आपके सामने गंगा का पूरी जो ट्रिब्यूटरीज है वो आपके सामने दी हुई है, यानी कि घाघर, गंडक, कोसी, ठीक है, ये सारी कौन सी है ट्रिब्यूटरीज है, गोमती है, उसके अलावा रिहाद है, दामोदर, ये सारे के सारे, सिंध है, बैटवा, चंबल किसकी? यमुना की, देखिए यमुना की कौन सी है? चंबल, सिंध, बैटवा, और इसके अलावा यमुना किस में जाके मिल रही है? गंगा में मिल रही है। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, फारुखाबाद, कोलकाता, ये ऐसी कैसी सारी सिटीज है जो कि आपके सामने गिवन है और गंगा के ऊपर है, ठीक है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इमेज है आपके सामने, और गंगा कहाँ से बनती है आपको पता है ना, ठीक है, गंगा कैसे बनती है? देवप्रयाग से गंगा बनना चालू होती है। गंगा होता क्या है फ्रेंड, देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर यमुना, ठीक है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ओके, ये चार आपको पता ही है ना, यहां से तो यमुना, यमुनोत्री से गंगोत्री से कौन सी? भागीरथी, भागीरथ रिवर, भागीरथी रिवर, और केदारनाथ से कौन सी? मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से कौन सी? अलकनंदा रिवर। अभी अलकनंदा रिवर इस प्रकार से चलती है, पूरी के पूरा उत्तराखंड है ये, ठीक है, उत्तराखंड है, यूके लिख रहा हूं मैं उत्तराखंड को, उत्तराखंड, उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से भागीरथ रिवर, केदारनाथ से मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर। अब होता ही है कि जो अलकनंदा रिवर और साथ में भागीरथी रिवर, जब ये दोनों मिलती है तो ये कहां मिलती है? देवप्रयाग के अंदर, और यहां से आपकी गंगा स्टार्ट होती है देवप्रयाग, ठीक है, हरिद्वार, पता ना आपको हरिद्वार, देवप्रयाग, तो वहां से ही आपकी गंगा बनना चालू होती है, ठीक है। इसके बाद में मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती है, देवप्रयाग के आगे आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग, इसके ऊपर मिलेगा कर्णप्रयाग, इसके ऊपर मिलेगा आपको नांद, ठीक है, नंद प्रयाग, उसके अलावा ऊपर मिलेगा विष्णु प्रयाग, इस तरीके से ये सारे प्रयाग हैं और इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा मैप आपको ध्यान रखना है, कई बार पेपर में पूछते हैं, बहुत सारे सवाल है इस वाले मैप के अंदर कि भाई बताइए भागीरथ रिवर कहाँ से आती है, बताइए भाई मंदाकिनी रिवर कहाँ से आती है, अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, ठीक है, अलकनंदा रिवर भागीरथ से मिलती है तो कौन सा प्रयाग मिलता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
बिल्कुल काफी लोगों ने सही कहा है, हरिद्वार केदार और ये सब चीजें हैं, ठीक है, देवप्रयाग बिल्कुल सही है। तो ये सारी गंगा से रिलेटेड सारी सिटीज कौन कौन से उसकी ट्रिब्यूटरी है और साथ में गंगा कैसे बनती है, ये सब आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। काफी लोगों ने इसका जो आंसर है वो वैसे सही दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है, काफी लोगों यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाला, ठीक है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी वाले लोग कौन थे, याद है आपको, पाल डायनेस्टी 7th-8th century के टाइम की बात है, 8th-10th century की, और उस टाइम पे बंगाल वाला जो एरिया था वहां पे पाल साम्राज्य हुआ करता था, बुद्धिस्ट रूलर थे, बुद्धिस्ट थे लेकिन बुद्धिस्ट के राजा थे और काफी उनका एरिया इन्होंने कैप्चर कर रखा था। बंगाल के इतिहास में सबसे बड़े जो राजा है ना वो धर्मपाल देवपाल है जो कि पाल डायनेस्टी के लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा पाल डायनेस्टी एक और है आसाम के अंदर भी थी, वो तो हिंदू रूलर थे लेकिन उनका साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो बंगाल वाले पाल डायनेस्टी है ये बहुत बड़े थे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, धर्मपाल देवपाल नहीं करना है, गोपाल इसके सबसे पहले संस्थापक थे, आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, गोपाल इसके पहले संस्थापक थे, उसके बाद में फिर काफी फेमस फेमस लोग आ गए और देवपाल धर्मपाल ये सब तो आपको पता ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो आप सभी के लिए आप देख सकते हैं, आपके सामने मैप भी होगा जिसमें पूरा का पूरा कवर अप कर रखा होगा कि पाल डायनेस्टी के बारे में आपके सामने देख सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा धर्मपाल ने देखिए कितना एरिया कैप्चर कर रखा था उस टाइम पे। अगर बंगाल की हिस्ट्री की बात करें तो इससे बड़े रूलर बंगाल के अंदर कभी नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच एम्परर एम्पायर इज रिगार्डेड एज ए गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। देखिए हिंदुइज्म बोल लीजिए, भारत बोल लीजिए, गोल्डन एज तो एक ही रही है, तीसरी से लेके पांचवीं शताब्दी तक, तीसरी से पांचवीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर कौन था पता है ना सबको, गुप्ताज थे, गुप्ताज रूलर, ठीक है। गुप्ताज के टाइम पे आपके आर्यभट्ट, वाहन मीरा, कालिदास बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने जिस टाइम पे साइंस का को के बारे में दुनिया को बताया, ज्योमेट्री, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इसके अलावा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लिटरेचर के बारे में, साइंस के बारे में, जितना दुनिया ने उस टाइम पे, दुनिया को भारत ने उस टाइम पे दिया वो बहुत बड़ा एक इमेंस चीज थी। और आंसर क्या होगा, गुप्ताज, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, गुप्ताज पीरियड था जो कि हमारा गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन कॉइन भी अपन ने वहां पे उस टाइम पे काफी बनाए थे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, और ये आपके सामने देख सकते हैं ना आप, गुप्ताज एम्परर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गुप्ताज आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी लोगों का यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि है, हु इन्वेंटेड पोस्ट इट नोट, पोस्ट इट नोट का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, पोस्ट इट नोट, नोट जो पोस्ट करते हैं ना अपन नोट को, उसको पूछा गया है कि वो किसने इन्वेंशन किया था, ठीक है, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है और यहाँ पे उम्मीद है वैसे तो सारे गलत ही होंगे आंसर, क्योंकि बड़े ही अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा बी, आर्थर इसका सही आंसर होगा, आर्थर फ्राई, ठीक है, आर्थर फ्राई इसका सही आंसर होगा जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया है। तो आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही है, तुक्का तो वैसे बहुत लोगों ने मार दिया है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, आर्थर फ्रे इसका सही आंसर है। बाकी जो तीन लोग हैं जो ऑप्शन में है वो इतने ज्यादा इनके काम, हालांकि सबने काम किया है कुछ ना कुछ, लेकिन इतने बड़े इन्वेंशन से रिलेटेड नहीं है इसलिए हम उनको कवर अप नहीं कर रहे, ठीक है, बिन बात का डाटा अपने दिमाग में स्टोर नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को स्टोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दो कोने में जितना होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और उसके अंदर बाकी चीजें कॉन्स्टेंट रहेगी जैसे कि टेम्परेचर और साथ में बाकी सब चीजें, तो वो कौन सा लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है आपको समझ जाना चाहिए, दो कोने के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये ऐसा किसने कहा है, ओम्स लॉ ने यही तो बोला है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर क्या होगा, कंडक्टर के करंट फ्लो थ्रू करेगा वो उसके इक्वल होगा। तो आंसर क्या होगा, ओम्स लॉ का सही आंसर होगा, यानी कि सी आपका सही है। इसके अलावा बाकी के तीन लॉ भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते रहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में, यही है जो मैंने बात करी है,
करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन सेम। नेक्स्ट देखिए जो कि किसका है, हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो रिलेशनशिप बताता है, अगर आप किसी भी स्प्रिंग को खींचोगे ना तो उसके कितनी वो स्प्रिंग खिंची है इसके बारे में कौन बताएगा, और कितना फोर्स लग के कितनी खिंची है इसके बारे में हुक्स बताएगा। तो हुक्स आपका किससे हो गया, स्प्रिंग से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट देखिए जो कि कौन सा है, लेंज लॉ। अगर कॉयल के बारे में, करंट के बारे में बात हो तो कौन बताएगा, लेंज बताएगा। एंड इंड्यूस करंट इज ए क्लोज कनेक्टिंग लूप विल अपेयर इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इट प्रोड्यूस इट। तो यानी कि जितना भी करंट के क्लोज कनेक्टिंग लूप के अंदर बनेगा ना, ओके, ये उसके बारे में बताया गया लेंज लॉ के बारे में। यानी कि जो मैग्नेट है ये सब के बारे में कौन बताया, लेंज ने बताया। इसके अलावा कॉलम लॉ भी देख लीजिए। मोहित जी बोल रहे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन भी आएगा, थोड़ा वेट करिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन स्पोर्ट्स का भी आएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। कॉलम क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस क्या होता है, के क्यू वन एंड क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये है कूलम लॉ। तो ये सारे लॉ आपको ध्यान रखना है, पेपर में सिलेक्टेड पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा मिरर काम में लेते हैं, हेडलाइट, कार की हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर काम में आता है, ये आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, आपको पता होना चाहिए। गाड़ी के अंदर तो हम हमेशा मिरर काम में लेते हैं, ठीक है, लेंस और मिरर हमेशा अपोजिट होते हैं, पता है ना आपको, लेंस और मिरर हमेशा अपोजिट होता है। मिरर और लेंस में फर्क क्या होता है, जो मिरर होता है वो तो, ठीक है, मिरर होता है तो वो तो एक साइड से उसको अपन कवर करके रखते हैं, पीछे से कुछ ना कुछ कवर होगा। लेंस के अंदर आगे पीछे दोनों तरफ से वो ट्रांसपेरेंट होता है, पहली बात तो ये। मिरर और लेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं, यानी कि जहां पे कॉन्केव होगा तो लेंस के अंदर वो कॉन्वेक्स हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो गाड़ी की हेडलाइट की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कौन सा यूज करते हैं, कॉन्केव। कॉन्केव क्यों, दूर का देखना है ना भाई, दूर के लिए कॉन्केव तो यूज करते हैं, मेरा दूर को, मुझे दूर का नजर नहीं आता है इसलिए मैंने चश्मा लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, कॉन्केव लगा हुआ है, क्योंकि मुझे दूर का नजर नहीं आता है, ठीक है, दूर के लिए तो कॉन्केव होता है, पास के लिए कॉन्वेक्स होता है। अगर किसी को, जैसे कि अपने पेरेंट्स होते हैं, उनको पास कई चीजें नहीं नजर आती है जो कि ओल्ड एज में होता है, तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को। अभी वापस से बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस की अभी तो, ठीक है। यहां पे आपसे मिरर हेडलाइट की बात करेंगे तो कॉन्केव मिरर आएगा यहां पे, लेकिन अगर मैं मेरे उसकी बात करूं, ठीक है, लेंसेज की, तो ये कौन से कॉन्केव लेंसेज है जो मेरे को दूर के लिए होता है, तो ये कौन सा है, कॉन्केव लेंस है मेरे वाले। अगर मुझे पास का देखना है तो कौन सा यूज करूंगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मिरर के अंदर जो हेडलाइट है वो देखने के लिए तो हम क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। और अगर आपके जो साइड में जो नहीं होते, साइड वाले जो होते हैं, साइड में जो आपके गाड़ी के लगे होते हैं ना जो मिरर, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स। उसके अंदर लिखा होता है द ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। हमें क्या चाहिए होता है कि हमें चाहिए होता है कि हम छोटी इमेज दिखाएं कॉन्वेक्स के अंदर, जो साइड वाले होते हैं ना वो हम चाहते हैं कि जो दूर की है ना इमेज उसको हम छोटी करके दिखाते हैं हमारे उसके अंदर, इसके वजह से वो हमें दूर नजर आते हैं लेकिन वो होते नहीं है इतना दूर, इसीलिए उसके अंदर वो चीज लिखी भी होती है। तो यहां पे अगर आपसे साइड वाले मिरर का पूछ लिया जाए तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और अगर आपके हेडलाइट का पूछा जाए तो कॉन्केव मिरर होगा, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी इसका सही आंसर होगा। आंसर देख लेते हैं बच्चों ने क्या किया है, काफी लोगों ने यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल सही भी दिया है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही है। प्रमोद जी ने कहा है तो ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन देयर पेयर, वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि हम वहां पे कॉन्वेक्स यूज करते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों ने जो आंसर दिया है। और ओके तनवीर जी थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, अभी उनको क्लियर हो गया है, बिल्कुल सही है आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कॉन्केव आपको आंसर लगाना है, क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी लोगों का डी आंसर आ रहा है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो है एनसीपी से रिलेटेड, हमेशा मैं बोलता हूं भारत की जो 7 नेशनल पार्टीज है उसके बारे में याद करना है, पूछ लिया गया एनसीपी की फुल फॉर्म, कई बार बता चुका हूं, हमेशा एक ही इमेज दिखा रहा हूं पिछले एक महीने से आपको, अब तो रट गई होगी ना, शरद पवार इस पार्टी के हेड है, आपको पता है ना क्या नाम है एनसीपी की, एनसीपी के बारे में,
ठीक है, आंसर भी के बारे में उम्मीद है सभी लोग आंसर सही करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। और काफी बच्चों का जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो गलत भी आंसर आ रहा है, ठीक है, गलत मत करिए फ्रेंड, ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, पता है ना आपको, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस किसके अंदर लिखा हुआ है? देखिए एक में तो नेशनलिस्ट है और एक में नेशनल है, तो आपका जो होगा ना वो नेशनलिस्ट होगा, नेशनल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है ए वाला ऑप्शन, नेशनल लिस्ट, ठीक है, नेशनल के आगे लिस्ट लगाना है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, शरद पवार इसके हेड है। तो आंसर क्या है इसका? ए इसका सही आंसर होगा। काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, गलत आंसर करा है बच्चों ने। आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज होगी एक, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आखिरी में देखिए 1959 में बनी थी और शरद पवार के द्वारा इसको बनाया, इसको अभी इसके करंट लीडर है। आईएनसी सभी को पता ही है 1885 में सोनिया गांधी, सीपीआईएम सीताराम याचिकी, सीपीआई रेड्डी जी, बीजेपी अमित शाह, बीएसपी मायावती और एआईटीसी ममता बनर्जी। आईएनसी की तो चेंज हो गई है, राहुल गांधी बन गए अभी, पता है ना आपको, सोनिया गांधी नहीं रही है, अब राहुल गांधी हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है यूपीए के बारे में। देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए आईएनसी के चेयरमैन को, आईएनसी के अभी करंट लीडर कौन है, तो कांग्रेस के तो करंट लीडर है राहुल गांधी है, लेकिन यूपीए, यूपीए का मतलब क्या होता है, यूनिलेटरल प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। एनडीए का मतलब क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये तो बीजेपी का है और ये आईएनसी यानी कि कांग्रेस का है। अब देखिए अभी प्रेजेंटली इसके पास तो 45 पार्टीज का समर्थन है, 45 पार्टीज एनडीए के अंदर बीजेपी और 45 पार्टीज, यूपीए के अंदर 10 पार्टीज है और यूपीए की जो हेड है ना वो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी नहीं है। यूपीए की जो हेड है वो तो सोनिया गांधी है, आईएनसी की जो हेड है वो राहुल गांधी है। कब बनाई गई थी, 2004 के अंदर, 2004 या 2006 में बनाई गई थी, 2004 सही है, 2004 के अंदर बनाई गई थी यूपीए, ओके यूपीए। तो आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है, आप देख सकते हैं आपके सामने है, ठीक है। ये सारी की सारी पार्टी से जो कि यूपीए के अंडर में आती है, 10 पार्टी है ना कांग्रेस के मिलाकर, 5 तो केरला से है, 3 उत्तर प्रदेश से, 1 तमिलनाडु से और आईएनसी तो है ही है ही। तो ऐसे करके टोटल लोकसभा में सीटें कितनी है, 52 है, राज्यसभा में 60 है, ओके। ये सब आपको ध्यान रखना है, आंसर गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो पूछा गया सैफ गेम से, ठीक है, साउथ एशियन गेम 13वां कहां पे होने वाले हैं, सैफ गेम बोलते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होना है, साउथ एशियन बोल लीजिए। देखिए कई लोग बोलते हैं इसको साउथ एशियन गेम्स, दूसरा नाम है इसका सैफ यानी कि साउथ एशियन फेडरेशन, कई लोग इसको साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशियन भी बोलते हैं इसको, तो ये तीनों एक ही नाम है, ओके, तीनों एक ही नाम है, जिसमें जो सार्क देश है ना आपके, सार्क देश है ना, वो सारे के सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सार्क देश कौन से हैं, हमारे जितने भी नेबर्स हैं, मालदीव वालदीव और साथ में श्रीलंका विलंका, ये सारे सार्क देश है, पता है ना आपको, तो वो सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अंदर इंडिया हमेशा टॉप करता है। 2016 के अंदर जब हुआ था तो ये गुवाहाटी के अंदर हुआ था, गुवाहाटी और शिलोंग के अंदर खेला गया था, और अभी जब होएगा तो वो कहाँ पे होएगा, नगलावाला नेपाल के अंदर होएगा, मेरे ख्याल से 2018 या 19 के अंदर होएगा, ये 19 के अंदर होएगा 2000, जो नेपाल के अंदर होगा। तो आंसर क्या है इसका, सी इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज होगी। अब देखिए ये सारे के सारे सार्क देश है और जो ये सारे के सारे साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे हो चुके हैं ये भी देख लीजिए। अब देखिए 2019 में काठमांडू नेपाल में, 2016 में गुवाहाटी शिलोंग इंडिया में, 2010 में ढाका में, ठीक है, ये सारे के सारे टोटल कितने हो गए, 13 हो चुके हैं, 13 मतलब 12 तो हो चुके हैं और 13वां होगा 2019 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, पहले ये सवाल पूछा जा चुका है, पहले बता चुका हूं, शिवा शिव भगवान के ऊपर 3 किताबें लिखी है जिनका नाम क्या है, ठीक है, अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी ने शिवा से रिलेटेड काफी किताबें लिखी है और ये मेलुहा, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा भी उन्हीं की लिखी हुई किताब है, आप देख सकते हैं कवर पेज इसका। इसके अलावा आप एक और देख सकते हैं जो कि किताबें उन्होंने लिखी हुई है आपके सामने है ना,
काफी लोगों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, सेक्रेट ऑफ द नागास, ओथ ऑफ द वायु पुत्रास, राम सीता रावण, ठीक है, इसके अलावा इमोर्टल इंडिया, ये सारी की सारी जो किताबें हैं ना, ये किसने, अमीश त्रिपाठी जी ने ही लिखी हुई है। तो सारे में से क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, काफी कुछ आपने सीखा होगा। इसी तरीके से आगे पढ़ते रहिए, वाईफाई स्टडी के साथ में आगे बढ़ते रहिए, और साथ में जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कराएं ताकि अच्छी प्रिपरेशन कर सके और देश में कोने कोने तक वाईफाई स्टडी पहुंचे। और इसी तरीके से जो हमारा मिशन है साक्षरता अच्छी लोगों तक पहुंचे, वो मोटिव वाईफाई स्टडी का सफल जरूर होगा अगर आप सभी लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। साथ में जो टारगेट है हमारा आप सभी का सिलेक्शन करवाना, वो भी जरूर पूरा होगा अगर आप सभी लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो, क्योंकि आप सभी की मेहनत करना बहुत जरूरी है। वाईफाई स्टडी सुबह 6 बजे आपको द हिंदू एडिटोरियल, 8 बजे करंट अफेयर, 8:30 बजे आपके लिए वोकैबुलरी क्लास, 9 बजे आपके लिए रेलवेज की जो जनरल साइंस है उसकी क्लासेस चला रखी है, तो ये सब जरूर देखते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।